कैसा लग रहा है आपको पूरे घर की जिम्मेदारी लेके? अभी तो अच्छा लग रहा है, इतने टाइम का खाना मैं बनवा लगी है मेरे पास तो क्या। हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने नाश्ता कर लिया है और आज हमारा कहीं जाने का प्लान था बट कैंसल हो गया, 2 या 3 दिन बाद जाएंगे। सो और आज काफ़ी अच्छी धूप निकली है, बहुत ही अच्छी, तो आज ठंड थोड़ी कम है। और हाँ, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ये भी बताइए, और मुझे क्या अच्छा करना चाहिए ये भी बताइए। A few moments later. सो अभी हम नहा के फ्रेश हो गए हैं और अब जा रहे हैं छत पे धूप लेने के लिए, क्योंकि ठंड है इसके लिए, और थोड़ा धूप पे बैठेंगे तो अच्छा लगता है। और अभी हम लोग छत पे आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा धूप है, फेस पे बहुत लग रही है, अच्छा लग रहा है थोड़ा धूप में आके। और छत पे आने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं अकेली नहीं आई हूँ, ये इंसान भी साथ में आया है। यहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ सिर्फ खेत दिखाई दे रहे हैं, वो भी सरसों की, येलो येलो बहुत अच्छा लगता है। ये देखो बंदर आया है इधर पे। आज मैं बर्तन धो रही हूँ क्योंकि भाभी गए हैं अपने मायके 2-3 दिन के लिए, तो अब सारा काम मुझे करना पड़ेगा अकेले अकेले। हाँ अकेले मैं कर लूँगी, आई ट्राई। सो किचन में अभी मेरा सारा काम फिनिश हो गया, मैंने बर्तन वर्तन धो के सब स्टैंड में रख दिया और यहाँ खाना भी खा लिया मैंने, सब कुछ अच्छे से हो गया, पोछा ओछा भी लगा दिया। अब मैं अपने जा रही हूँ अपने रूम में, घर में कोई नहीं है और हमारी मियाँ यहाँ पे रेस्ट कर रही, अभी अभी सोकर उठ रही है। मियाँ मियाँ और अब शाम हो गई है और हम जा रहे हैं किचन में खाना बनाने के लिए। अभी मैं अकेली हूँ, अकेली नहीं हूँ, मेरी एक पार्टनर आई है, मैं उसके साथ ही खाना बनाऊंगी। ये देखो भाभी चली गई तो मैंने सानिया को बुला लिया, सानिया आई है ताकि ये मेरी हेल्प करेगी, थोड़ी पूरी नहीं कराऊंगी, थोड़ी कराऊंगी। इसको छोड़ दिया तुमने, म्याओ म्याओ। और आज हम जा रहे हैं चिकन का फिर से वही कोरमा बनाने के लिए, तो मैंने इधर पे सब रेडी कर लिया है सारे मसाले, और अभी इधर चिकन वॉश हो रहा है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कांदे को ब्राउन करेंगे, मतलब फ्राई करके इसको निकाल लेंगे, इसको मसाले के साथ ग्राइंड कर देंगे। और हम ये हमारा चिकन हो रहा है फ्राई और हमारा मसाला उधर रेडी है, उधर आटा गूंदने की तैयारी चल रही है। और अब मैं बना रही हूँ रोटी क्योंकि भाभी चली गई है अपने मायके, तो सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। कैसा लग रहा है आपको पूरे घर की जिम्मेदारी लेके? अभी तो अच्छा लग रहा है, इतने टाइम का खाना मैं बनवा दी। तिजोरी की चाबी संभाल के रखा है कि नहीं? हाँ ठीक। आइए मेरी पार्टनर आई, मेरी पार्टनर में अकेली थी, मैंने बुलवाया, तुम्हारा मुंह देख के तुम्हारा मुंह लटक गया था इसके लिए। देखो मेरे बिल्ले की अम्मा आई है यहाँ पे। हाय अम्मा जी, भागो नहीं, तुम्हारा बेटा इधर ही है, आँख क्यों चमका रहे हो? सो फाइनली हमारा सारा खाना बनके रेडी हो चुका है, बस अब सबके खाने की बारी है, सो अभी सबको जाके खाना देते हैं। A few moments later. और घर का सारा काम फिनिश हो चुका है, तो हम लोग अभी साइकिल चला रहे, अंधेरे में दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी साइकिल चला रहे, थोड़ा सा इंजॉय कर रहे, मजा आ रही। सानिया अभी मेरी बारी, लेकिन तुम तो हरदम गिरने का ही गाना गाओ। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, गिर गए तो गिर गए, कौन लेकिन उसमें बड़ी बात होगी कि गांव वाले मुंबई जाके गिरते नहीं है, पक्का गिरते हैं ट्रेन से उतरते ही, पक्का गांव वाले मजबूत होते, ऐसा कुछ नहीं है। और अब मैं चलाने जा रही हूँ, अल्लाह मजा आ रहा है, ठंडी भी लग रही है बहुत। ये
और अभी हम थोड़ा खाना खा के अभी साइकिल चलाए थे और मैं साइकिल चला के थोड़ा थक गई हूँ। साइकिल चलाने का मेरा बहुत मन होता है तो अभी काम से थोड़ा फ्री हुई थी तो मैंने चला लिया। इतने प्रॉपर आती नहीं मुझे लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से आ जाए। वैसे अभी इतने घर में ही सीख रही हूँ, फिर अच्छे से आ जाएगी तो मैं बाहर भी जाऊँगी। कैसी चलाई मैंने साइकिल देखे ना तू? साइकिल कैसी चलाई मैंने? अच्छा लगा लेकिन, मतलब ठीक है ना, आती है ना मुझे, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं आती। मुझे लगता है तुमको अभी और सीखना चाहिए। हाँ प्रॉपर नहीं आता। हाँ मतलब मेरा ना मतलब ध्यान नहीं रहता है, मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है तो वो हिलने लगता है हैंडल, इसीलिए मैं बोलता जितना। अरे यहाँ पे भाभी की जाने के बाद पार्टी चालू है, दोनों जन पार्टी कर रहे हैं। समीर की तबीयत ठीक नहीं थी, कैसी अभी तबीयत कैसी है? नासास थी इसकी तबीयत और अभी पता नहीं कैसी है, तो बता जल्दी कैसी है तबीयत, कैसी है? और गाइज थोड़ा बहुत बुखार, मतलब इसको इतना जुखाम हो गया कि बोल भी नहीं पा रहा है, इसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, नाक से आवाज निकल रही है। पबजी खेल रहा था लेकिन, हाँ ये बात ठीक है, ये बात तो एकदम ठीक है कि पबजी खेलते टाइम इसको जरा भी तकलीफ नहीं हो रही, इसको जुकाम का एहसास भी नहीं हो रहा है। म्याओ म्याओ म्याओ, गुड मॉर्निंग। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या। मैं आपको इंडियन आइडल मिलने जाऊंगा, मैं जरूर पूरा बर्बाद कर दिया। इतना अच्छा गाती क्यों आया? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में पूरा कर देना, कोई बात नहीं है ना समय। नहीं मत डालो, रहने दो। तो आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना है क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा मतलब बिजी हो गई थी तो मुझे इतना टाइम मिला नहीं, इसलिए आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, बाय। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग, सारे रंग सारे प्राण मेरे। क्या सोच रहे हो, पोस्ट कार्ड मिलेगा? आज के लिए कोई पोस्ट कार्ड नहीं है, बस बात करो।